दोस्तों आज आपको HP का 1136 प्रिंटर, उसमें डेमो प्रिंट जो होता है किस प्रकार से निकालेंगे, टेस्ट पेपर भी बोलते हैं उसे, टेस्ट कॉपी भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रिंटर ऑन कर लेनी है और कैंसिल बटन आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है, उसे लॉन्ग प्रेस करनी है 5 से 10 सेकेंड। उसके बगल में एक इंडिकेटर है जो देखिए जल रहा है, जो ब्लिंक करना शुरू हो जाए तब है ना आपको क्या करना है, 2-4 सेकेंड के लिए प्रेस करनी है। उसके बाद जब ये प्रेस किए हुए रहना है और साथ ही इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ समय बाद 5 से 10 सेकंड बाद आप पेपर खुद प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के शानदार वीडियोज के लिए इस प्रिंटर से अगर कोई फॉल्ट हो या कोई भी समस्या हो HP के, कैनन का, कोई प्रिंटर का, तो आप कमेंट करना और देख सकते हैं, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ये देखिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटर रखे हैं, आपको इस प्रकार की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको प्रिंटर से संबंधित जो भी। अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो मोबाइल प्रिंटर कंप्यूटर टेक्निकल किसी प्रकार के वीडियो के लिए आप कमेंट करना। इस प्रिंटर में हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, इसका रिफिलिंग कैसे करें, कार्टेज ड्रम से संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन किए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। हाँ, आपका अपना सुझाव देख सकते हैं यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कितना क्या पेज हुआ कैसे प्रिंट। अगर आपका कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाउ कैन डू द चेक HP लेजर गेट प्रोफेशनल M1136 MFP सेल्फ टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन।